आ गया तू? सलाम वालेकुम अस्सलाम भाई। वालेकुम सलाम। बेटा कैसा है? अल्लाह का करम असलम, अब बुखार उतर गया है, डॉक्टर ने कहा है कि डेंगू नहीं। चलो अच्छा है, बेटे का ख्याल रखना और कुछ जरूरत हो तो बताना मुझे। शुक्रिया। सलाम वालेकुम। सलाम। मालिक पंजाब में है, लुधियाना के पास टीकमपुर। टीकमपुर लुधियाना से 38 किलोमीटर दूर, जहां मोइन बाबा की दरगाह है। हाँ मालिक, आप गए हैं वहां? ठीक है, तुम लग जाओ काम। मुश्ताक। जी भाई। मुश्ताक, ये नजीबुल्ला रिजवी है, लोडिंग का काम आता है इसे, अपने यहाँ लोडिंग पे रख दो। जी भाई, चल आ जा। शुक्रिया मालिक। मालिक पंजाब में है, लुधियाना के पास टीकमपुर। क्या बात है, आज बड़े चुप चुप लग रहे हो। साना, आज एक आदमी आया था काम मांगने, नजीबुल्ला रिजवी, टीकमपुर से। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन उसकी बातें सुन के आप ज्यादा जज्बाती मत हो जाइएगा, कहीं पुरानी यादें कोई नया जख्म ना दे जाए। सलाम वालेकुम चाय और एक प्लेट खारी बिस्किट, और कुछ लोगे? नहीं मालिक, बस बस। नजीब बुला सकता हूँ ना तुम्हें? हाँ मालिक, मुझे तो सभी इसी नाम से बुलाते हैं। तुम टीकमपुर से ही हो ना? हाँ मालिक, मेरा तो सारा बचपन टीकमपुर में ही गुजरा है। मालिक मुझे ऐसा लगता है कि आप टीकमपुर गए हैं। क्या हुआ मालिक? टीकमपुर मेरा ससुराल हुआ करता। अरे आप भी पंजाब से हैं? हाँ, लुधियाना से, काफी साल पहले छोड़ दिया। तो भाभी जी टीकमपुर से? नहीं, अफसाना मेरी दूसरी बीवी है, मेरी पहली बीवी रेहाना टीकमपुर से। रेहाना? रेहाना खातून हारून चाचा और मोमिना चाची की बेटी, परवेश की बड़ी बहन रेहाना, वही रेहाना? हाँ। तुम जानते हो क्या उन लोगों को? हाँ नजीब, तुम जानते हो क्या उन सबको? मैं उस वक्त बस 23 साल का था, लुधियाना में काम किया करता था, लेकिन टीकमपुर गांव में शायद ही कोई ऐसा होगा जो ना जानता हो। वही है ना आप, जिन्होंने रेहाना बहन को उस वक्त तलाक दिया था जब वो 7 महीने के पेट से थी। वही है ना आप? नहीं नजीब, अब मैं वो नहीं हूं। वो असलम खान एक बहुत ही खुदगर्ज इंसान था। माफ कीजिएगा मालिक, पर जो आपने किया था ना वो गुनाह ही था। आपने रेहाना बहन को तब तलाक दिया जब वो पेट से थी। गुनेगार हूं मैं, रेहाना का गुनेगार हूं। अल्लाह ताला से सजदे में कई बार माफी मांग चुका हूं, लेकिन रेहाना से माफी मांगने की हिम्मत नहीं कर पाया। और अब आप माफी मांग भी नहीं पाएंगे। क्यों? एक साल पहले एक एक्सीडेंट में रेहाना बहन का इंतकाल हो गया। अम्मी, अम्मी उठो ना, अम्मी, अम्मी, अम्मी उठो ना, अम्मी, 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 अम्मी उठो ना, अम्मी।
अम्मी, अम्मी, अम्मी उठो ना, अम्मी, अम्मी उठो ना, अम्मी, अम्मी। ऐसे कैसे छोड़ दिया आपने रेहाना बहन को मलिक? गुनाह हो गया नजीब। अब मैं वो असलम खान नहीं हूँ जो 17 साल पहले था। बहुत कुछ बदल गया है। आप मालिक हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप मुझसे क्या चाहते हैं? उस वक्त मैंने सोचा ही नहीं था कि रेहाना पेट से है। बेटा हुआ था रेहाना बहन को, आपके ना होने के बावजूद भी मिठाइयां बांटी थी सारे मोहल्ले में। बेटा लड़का हुआ था? उस लड़के के बारे में जानना चाहते हैं मुझसे? हाँ नजीब जी, अफसाना के साथ निकाह करके बहुत खुश हूं मैं। रेहाना के साथ था तब हमेशा झगड़ा ही होता था। लुधियाना छोड़ दिया था मैंने, फिर मुझे अफसाना मिली, हम बहुत खुश हैं। लेकिन ऊपर वाले का खेल देख नजीब, अफसाना कभी मां नहीं बन सकी। मैंने भी सोच लिया था कि मैं कभी बाप नहीं बन पाऊंगा, लेकिन नजीब वो रेहाना का लड़का शोएब, शोएब नाम है उसका। ग्यारहवीं क्लास में पढ़ता है टीकमपुर जिला हाई स्कूल। मेरा बेटा है वो नजीब, मेरा बेटा है वो, जिसे आपने पेट में रहते छोड़ दिया था। कैसा है मेरा बेटा? मुझ जैसा दिखता है क्या वो? कहीं कहीं अपने अब उसे नफरत तो नहीं करता ना वो? बताना नजीब कैसा है मेरा बेटा? अब क्या हुआ असलम, कुछ कहना चाहते हो? अफसाना लगता है खुदा ने हमारे लिए पैगाम भेजा है। ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? नहीं अफसाना देखो ना, यूं ही नजीब का हमारे पास काम मांगने आना, वो भी टीकमपुर से। उसने बताया रेहाना अब नहीं रहे। अल्लाह उसे जन्नत बख्शे, लेकिन इसमें पैगाम क्या है? अफसाना मेरा एक बेटा है शोएब, रेहाना से मुझे लड़का हुआ था, 11वीं में पढ़ता है। अफसाना सोचो, खुदा ने हमें बच्चा क्यों नहीं दिया? शायद वो जगह शोएब के लिए सलामत रखी और इसीलिए नजीब को हमारे पास भेजा। अफसाना शोएब मेरा बेटा है, हमारा वारिस। नजीब ये मेरा बेटा शोएब है? हाँ। तू मेरे बेटे से मेरी बात करवा सकता है? देख नजीब, अल्लाह ने भेजा है तुझे मेरे पास ताकि मैंने जितने गुनाह किए ना उन गुनाहों की तौबा कर सकूं। नजीब, नजीब तू ही एक बाप को उसके बेटे से और बेटे को उसके बाप से मिलवा सकता है। सोलह साल पहले साल 2002 में ही असलम खान अपनी पहली बीवी रेहाना को छोड़ चुका था। रेहाना को बेटा होने के बारे में उसे कोई खबर नहीं। साल 2018 में इत्तफाक से असलम को रेहाना के दुनिया छोड़कर जाने के बारे में पता चलता है और इस बात की भी खबर होती है कि रेहाना से उसका एक बेटा भी है जिसका नाम है शोएब खान। क्या ये नियति थी और क्या ये वाकई नियति थी कि इसके तकरीबन 1.5 साल बाद साल 2019 में शोएब एक दिन अचानक गायब हो जाता है? साहब पूरे गांव में ढूंढ चुके हम लोग। कल रोज की तरह अपनी साइकिल पर स्कूल के लिए निकला था शोएब, पर दोपहर तक लौटा ही नहीं, इसलिए कल रात को आकर हम लोगों ने कंप्लेंट लिखवाई थी। साहब अब तो 24 घंटे के ऊपर हो गए, शोएब का कुछ पता नहीं चल रहा। परवेज, अरुण जी, हम लोग ढूंढ रहे हैं शोएब को, हमारी पूरी टीम लगी हुई है।
हमने टीकमपुर, गुरदास नगर, यहाँ तक कि लुधियाना तक शोएब की फोटो को भिजवाया। पर साहब, हमारा नाती अपने आप इतनी दूर नहीं जा सकता। फिर आप ही बताइए कि किसके साथ जा सकता है, किसी के साथ गया है क्या वो? परवेज हारून जी, आप लोगों ने बताया नहीं कि परसों दोपहर में आप लोगों से डांट पड़ी थी शोएब को? और परवेज, तुम्हारी वाइफ नुसरत ने तो उसे थप्पड़ भी मारा था। तुम्हारी पड़ोसी आयशा से पता चलाई, उनका ना झगड़ा हुआ था किसी बात को लेकर। मैडम, शोएब परसों दोपहर को बहुत चिल्लाता हुआ गुस्से में घर से निकला था। नहीं रहना है मुझे यहाँ, मैं अपना ठिकाना छोड़ दूंगा। शोएब रुक बेटा, घर चल। नहीं, मेरी बात। मैं नहीं रुकूंगा, मुझे नहीं रहना आप लोगों के साथ। अरे अरे, नुसरत ने तेरी भलाई के लिए थप्पड़ मारता। शोएब रुक, बात मान, मेरी रुक। मैडम, वो बहुत छोटी सी बात थी, और उस रात तो शोएब घर भी आ गया था। और गायब तो वो कल हुआ जब वो स्कूल गया था, और परसों जो झगड़ा हुआ बहुत बहुत छोटा सा था। किस बात पर झगड़ा हुआ था? शोएब को थप्पड़ मारा था तुम्हारी वाइफ नुसरत ने। परवेज, ये बात तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें बताई? क्या आयशा कुछ भी उल्टा सीधा बता रही है? मोमिना खाला, मैंने जो देखा था वही बता रही थी। नुसरत ने शोएब को थप्पड़ मारा था ना? तो शोएब मेरे बेटे जैसा है, क्या तुम नहीं मारती इमरान को, कामरान को? नुसरत क्यों मारा था शोएब को? वो पढ़ नहीं रहा था, ऊपर से बाइक की जिद कर रहा था। लेकिन अभी सिर्फ 17 साल का ही तो हुआ है तू शोएब, कैसे चलाएगा तू बाइक? हाँ, जैसे मनप्रीत चलाता है। सब चलाते हैं नानू, आप लोगों से कुछ मांगो तो आप लोग सीधा मना कर देते। अरे शोएब, पहले पढ़ तो ले, फिर देखते हैं ना। बस हो गया आप लोगों का, आप लोगों से कुछ मांगो तो पढ़ाई बीच में आ जाती है। मैं कहीं और से ले लूंगा पैसे। कहां और से? कहां से शोएब, बोल, और कहां से लेगा पैसे? कहीं से भी, जहां से मुझे मिल जाए। इस पूरी दुनिया में सिर्फ आप लोग नहीं है, मेरे अम्मी अब्बू नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कोई और पैसे नहीं देगा। शोएब, जुबान पर काबू रख अपनी, कुछ भी बोल रहा है। सही तो कहा मामी, यहाँ हर चीज के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है, बस इसीलिए ना, क्योंकि मेरे अम्मी अब्बू नहीं है। इसका मतलब हमने तेरे लिए कुछ किया ही नहीं है। हाँ, तुझे कैसे बड़ा किया है कुछ अंदाजा है तुझे? यही सुन सुनकर तो बड़ा हुआ हो, पता नहीं ऐसा क्या कर दिया आप लोगों ने। अब जिंदगी भर नहीं रहना मुझे यहाँ, नहीं रहना मुझे आप लोगों के साथ। शोएब, चलो हम आप लोगों की बात भी मान ली। शोएब ने गुस्से में ऐसी हरकत की होगी, कहीं भागने का सोचा होगा, फिर भी नाबालिग है वो, ना समझ, ढूंढिए उसे। हाँ बलदेव, बोलो। मैडम, यहाँ गांव के बाहर जंगल के पास वाले सूखे कुएं के करीब एक साइकिल मिली है हमें। लगता है कि ये शोएब की साइकिल हो सकती है, क्योंकि उसके घर वालों ने ऐसे ही साइकिल के बारे में जिक्र किया है। मैं आपको उसकी फोटो भेजता हूँ। ठीक है। शोएब की साइकिल ऐसी थी? हाँ, ये शोएब की साइकिल है। कहाँ मिली? और शोएब, शोएब कहाँ है? आसपास चेक करो, शोएब का बस्ता वगैरह मिलता है क्या? उसकी साइकिल यहीं पे है, हो सकता है कि बैग भी यहीं फेंक के गया। सर, शोएब के स्कूल में उसके दोस्तों से पता किया था, उन सभी कहना है कल स्कूल में शोएब नॉर्मल लग रहा था। किसी से कुछ भागने भागने के बारे में बात की थी? नहीं सर, उसके स्कूल के दोस्त यही कह रहे थे, वो रोज की तरह घर के लिए निकला था। टीकमपुर बस अड्डे पर पता किया? जी सर, शेयरिंग रिक्शा वाले, टैक्सी वाले सबको फोटो दिखाकर पूछा, पर किसी ने लड़के को नहीं देखा। सर, यहाँ ही है सर। परवेश, उसकी सांसें नहीं चल रही है। नहीं, क्या बात कर रहे हो? मुझे देखिए, एक मिनट रुको।
सच में उसकी सांसें नहीं चल रही हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, आप अच्छे से देखिए वो जिंदा है। नहीं, 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 हमें हमारे बच्चों को अस्पताल ले जाने दीजिए साहब। आप ये संभालिए। जंगल के पास वाले खंडहर में सोएब की लाश मिली। पास में ही पेस्टिसाइड की सीसी भी मिली। और वो पुलिस वाले बोल रहे थे शोएब ने खुदकुशी की है। गलत बोल रहे हैं वो। मेरा शोएब ऐसे कर ही नहीं सकता। ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? ऐसे कैसे आप लोगों को खुदकुशी लग रही है? ये परवेज पक्का नहीं बोल रहा, लेकिन देखने में ऐसा ही लग रहा है। खुदकुशी? मेरा शोएब। देखिए, बॉडी के पास पेस्टिसाइड की शीशी मिली है, मुंह से झाग निकल रहा है। अभी उसे पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं, बाकी सच क्या है वो रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। हमें रूम नंबर 403 से बोल रहा हूँ, मेरे बिल्स रेडी रखना, मैं 5 मिनट में चेकआउट करूंगा। मुझे लगता है सोएब की मामी ने ना सोएब को कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। इमरान, क्या सच में सोएब ने वो पेस्टिसाइड पी लिया क्या? पता नहीं अम्मी, लेकिन पुलिस वाले तो ऐसा ही बोल रहे थे। कुछ दिनों से सोएब कुछ परेशान सा भी लग रहा था। तुझे कुछ बताया उसने? कुछ कहा तो नहीं अम्मी, लेकिन दिख रहा था कि परेशान है वो। बेचारे बच्चे का नसीब भी क्या था, बाप ने कभी मुंह नहीं देखा, माँ ऐसे ही चली गई, और अब बेचारा शोएब खुद भी। ये नहीं हो सकता, खुदकुशी नहीं कर सकता मेरा नाती। वो ऐसा लड़का था ही नहीं, ये सच नहीं है। उमेदा जी, सच तो आप लोगों ने भी नहीं बताया। अगर मैंने आपकी पड़ोसन आयशा से बात नहीं की होती तो हमें पता ही नहीं चलता कि आप लोगों के बीच में झगड़ा हुआ था। पर वो ऐसा झगड़ा था ही नहीं जिसकी वजह से इतना सब कुछ हो सकता है। लेकिन कुछ तो जरूर हुआ था, वरना 17 साल का लड़का इस तरह स्कूल से निकलने के बाद सुनसान जगह जाके खुदकुशी नहीं करता। मुझे यकीन है किसी ने हमारे बच्चे के जरिए हमसे दुश्मनी निकाली। कैसी दुश्मनी अरुण जी? और फिर आपका दुश्मन है कौन? देखिए, शोएब की बॉडी के पास हमें पेस्टिसाइड की शीशी मिली है, उसके मुंह से झाग निकल रहा था, और 2 दिन पहले आप लोगों का झगड़ा हुआ है। जो कुछ हुआ है आप लोगों के घर में हुआ है, साफ साफ दिख रहा है। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था शोएब को, मैंने उसे थप्पड़ मारा क्योंकि उसने अम्मी अब्बू के साथ बदतमीजी की, तो वाजिब नहीं था। तो इज्जत में भी जगह नहीं मिलेगी उसे। झूठ मत बोल। मैं झूठ क्यों बोलूंगी परवेज? और मैं अपने शोएब के साथ कुछ बुरा क्यों करूंगी? मैंने उसे अपने बेटे की तरह पाला है। तुम्हारे कहने पे शोएब के लिए मैंने खुद का बच्चा पैदा करने का सपने को कुर्बान कर दिया था, ताकि गलती से भी हम शोएब और अपने बच्चे में कभी कोई फर्क ना कर बैठे। आज सबसे ज्यादा दुख में मैं हूँ। मुझसे पूछा जा रहा है कि मैंने ऐसा क्या कहा कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। मौका वारदात को देखकर लग रहा था कि ये आत्महत्या है, लेकिन शोएब के नाना हारून जानते थे कि ये सच नहीं हो सकता था। उन्हें एहसास था कि ये हत्या थी। खुदकुशी का सवाल ही नहीं, मतलब मर्डर है। बिल्कुल, ये निशान देख रहे हैं, मौत गला दबाने की वजह से ही हुई। लेकिन वो जो पेस्टिसाइड की बॉटल मिली थी, वो पेस्टिसाइड विक्टिम के सिर्फ मुंह से मिला है और थोड़ा बहुत इसके गले के अंदर चला गया था, इसके पेट में तो गया ही नहीं था। पेस्टिसाइड सिर्फ मर्डर को खुदकुशी दिखाने के लिए ही इसके मुंह के अंदर में डाला गया। विक्टिम के नाखून को देखकर यह पता चलता है कि जिस समय इसका गला दबाया जा रहा होगा उसने काफी स्ट्रगल किया होगा, पर यह खुद को बचा नहीं पाया। जाहिर है कि मर्डरर शोएब से ज्यादा ताकतवर रहा हो। ए भुवन, तेरा क्या चल रहा है सब? हाँ, काम से ज्यादा छुट्टी मार रहा है तू? हाँ, वो थोड़ा काम पड़ गया था। काम पड़ गया था? मैं तो यहाँ दुकान में बैठकर टाइम पास करता हूँ ना। देख भुवन, आज के बाद अगर तू लेट आया या बीच में कहीं भी गायब हुआ ना, तो घंटे के हिसाब से तेरे पैसे काटूंगा, समझा?
वो भुवन कुमार, उसी ने मेरे शोएब को मारा। उसी का नाम क्यों लिया आपने? आपकी कोई दुश्मनी है उससे, या फिर शोएब की कोई लड़ाई हुई थी? जब आपने पेस्टिसाइड की बात की तभी मुझे लगा कि ये काम भुवन का ही होगा। क्यों? उसने सुखविंदर जी का पूरा खेत बर्बाद किया, इतना पेस्टिसाइड डाला कि सारी फसल मर गई। सरपंच जी, कोई मुझे ये बताए कि किसने मुझे देखा था सुखविंदर जी के खेत में पेस्टिसाइड डालते हुए? कौन था वहां पर? हम गरीब तबके के क्या हुए? कोई भी गलत काम होगा, इल्जाम हम पे आ जाएगा क्या? गुरमीत जी, इस भुवन इसके परिवार का दांव निकाला करो, या इसके पूरे परिवार के खिलाफ पुलिस में हम रिपोर्ट लिखाएंगे। तो लिखवाइए ना रपट, डरते हम लोग। हम बोल देंगे ये इनका परवेश भाई और अरुण चाचा का किया हुआ है आपके साथ मिलकर, अब हम पे थोप रहे हैं। देखिए सरपंच जी क्या बकवास कर रही है भुवन, इसने गुस्सा निकाला सुखविंदर जी पे क्योंकि इसने हिमाकत की इनकी लड़की पर। अरुण जी क्या कहा आपने? सरपंच जी मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इस भुवन और उसके पूरे परिवार को गांव से अभी के अभी निकाल देना चाहिए, किसी में गांव की भलाई है। बदला लेना ना आपको, हैं? पूछे सरपंच जी से, सुखविंदर जी बताइए इनको। सुखविंदर जी है कोई ऐसी बात जो आप पंचों से छुपा रहे हैं? सरपंच जी इस लड़के को अपनी औकात का पता नहीं, इसे तो औकात मत पूछना चाचा हमारी। नहीं आप रुकिए, औकात मत पूछना, आप औकात पे आ गए ना, हम बता देंगे आपको अभी। हम तुम्हारी औकात ये है कि तुम अपने इलाके में रहो, जब कोने में जगह दी ना रहने के लिए वहां पड़े रहो चुपचाप। अपने अब्बू को कहिए औकात में आने के लिए। सुखविंदर जी ने बात वहीं छोड़ दी, आगे नहीं बढ़ाई। ये भुवन का ही किया कराया था, भुवन ने पहले सुखविंदर जी से बदला लिया उनकी फसल बर्बाद करके, और हम आपसे बदला। लेकिन क्यों? शोएब को मारकर ऐसा कौन सा बदला ले रहा था भुवन? भुवन ने सुखविंदर जी की बेटी प्रीति को फंसाया था। ये सब क्या हो रहा है प्रीति? चाचा जी हम तो सिर्फ बैठ के बातें कर रहे थे। ओ चाचा जाओ ना घर जाओ अपने, इसे रस्ते में रुक कर लोगों की टोक रहे हो। चुप हो जाओ भुवन। साले बदतमीज, तेरी ये हिम्मत, हाथ अड़ाइए पीछे आप। चाचा जी आपको कोई गलत फहमी हो रही है, हम बैठ के सिर्फ बातें ही कर रहे थे। लोगों से बात करना गलत है प्रीति, तुम्हारे घर वालों को पता है सब। क्या जरूरत थी तुझे बात करने की? सुखविंदर जी गलती तो उस भुवन की ज्यादा है, एक नंबर का कमीना है वो। आ गया तू। सुखविंदर जी ने भुवन की खूब पिटाई की और अपनी बेटी से दूर रहने की हिदायत भी दी। शोएब खान की आत्महत्या का केस अब मर्डर केस में बदल चुका था और अब मामले में पहला सस्पेक्ट और पहला एंगल सामने था। भुवन कुमार को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया क्योंकि शोएब के नाना ने भुवन पर शक जाहिर किया था। मुझे तो फैमिली के अंदर ही कुछ गड़बड़ लग रही है, पहले उन्होंने शोएब के झगड़े के बारे में हमें कुछ नहीं बताया और अब ये भुवन वाली स्टोरी अचानक से सामने रखती। और शोएब की माँ का 2 साल पहले एक्सीडेंट में डेथ हुआ था। जी सर, और फादर का कुछ पता नहीं है। जितना पता लगा है वो ये है कि शोएब की माँ रेहाना, उसका भाई परवेज और परवेज की वाइफ नुसरत, इन दोनों ने मिलकर शोएब का बचपन से ध्यान रखा है। और इनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी? नहीं सर। ठीक है, तुम विक्टिम की फैमिली के अंदर पता करो। बस हो गया आप लोगों का, आप लोगों से कुछ मांगो तो पढ़ाई बीच में आ जाती है। मैं कहीं और से ले लूंगा पैसे। कहां और से? कहीं से भी जहां से मुझे मिल जाए। इस पूरी दुनिया में सिर्फ आप लोग नहीं है। अमनदीप, मैंने सुना है कि शोएब की लाश अब तक घर नहीं आई है। आरती, मुझे देखना है उसे। तेरा जाना ठीक नहीं होगा अमनदीप, लोग पूछेंगे कि तू क्यों गई वहां। आरती मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पुलिस को बता दूं? तू सोचना भी मत अमनदीप, तेरे घर वालों को पता चला तो तू गई काम से। मनप्रीत आया था आज स्कूल? हाँ मेरी बात हुई थी उससे। आरती आज अमनदीप नहीं आई? नहीं, उसकी तबीयत खराब है शायद। क्या हुआ उसकी तबीयत को? उसे बुखार है शायद। अमनदीप मुझे आज मनप्रीत के चेहरे से बहुत कुछ अजीब लग रहा था। कहीं मनप्रीत ने तो कुछ नहीं किया? चल आज तो पता चल ही जाएगा कि अमनदीप किसकी है। अबे कहाँ भाग रहा है तू? अरे रुकना, जा मनप्रीत
मेरा मूड नहीं है। मूड नहीं है कि तेरी हालत खराब हो गई है? देख, मैं तुझे कुछ साबित करना नहीं चाहता। अमनदीप मुझे पसंद करता है और मुझे तुझसे नहीं लड़ना। अमनदीप सिर्फ और सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड है। 2 साल से मैं उसको घुमा रहा हूँ, तब आप में हड्डी बनकर बीच में तू आया है। मनप्रीत तू जा यहाँ से, परेशान मत कर मुझे, नहीं तो। अबे नहीं तो क्या बे, हाँ क्या कर लेगा तू? हाँ मैंने पहले तुझे बोला था कि दो दो हाथ कर लेते, सिर्फ तू और मैं, जो जीता अमनदीप उसकी। अबे डेपो की तरह भाग कर रहा है, रुक 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 रुक, पहले जाए ना तो आजा, आज ही फैसला कर लेते, जो जीता वो अमनदीप का सिकंदर। भुवन कुमार जिस पर शोएब के नाना हारून बेग ने उंगली उठाई थी वो पुलिस कस्टडी में था, लेकिन शोएब अमनदीप और मनप्रीत का लव ट्रायंगल अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन से कोसों दूर था, और टीकमपुर से 1600 किलोमीटर दूर भिवंडी में भी एक रहस्यमय एंगल छुपा था जो अब तक किसी की सोच से भी बहुत दूर था। मिला शोएब? मिले आप उससे? क्या हुआ असलम, आप शोएब से मिले? वो आया ही नहीं अफसाना, मैंने 2 दिन इंतजार किया वहां लेकिन शोएब आया ही नहीं। उसके नाना नानी को तो पता नहीं चल गया। सुखविंदर के खेत में जो कुछ भी हुआ वो तेरा ही कारनामा था ना भुवन कुमार? मैंने कुछ नहीं किया, बाकी पूरा टीकमपुर जो चाहे वो समझे। ये तेरी पंचायत नहीं है, पुलिस थाना है। आ तो ना वहां बकरा बनाता ना यहां बनूंगा कि जब जिसकी मर्जी चले मेरी कुर्बानी दे दी। साले तेरी लव स्टोरी पकड़ी गई, पूरे गांव में कोहराम मचाएगा तू। हां तूने शोएब को क्यों मारा? तेरा झगड़ा सुखविंदर से था, हारून बेग से था। शोएब को मारकर तुझे तेरी प्रीति मिल गई क्या? शोएब का तेरी दुश्मनी से क्या लेना देना था? पट्टी आपको हारून बेग ने पढ़ाई होगी। मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर मेरे को बदला लेना होता ना मैं पत्तियां नहीं काटता, मैं सीधा जड़ काट देता। हारून बेग को मारकर फसाद खत्म कर देता मैं, शोएब को क्यों मारता मैं? खेत में डालने के लिए पेस्टिसाइड कहां से मिला तुझे? मैंने कोई पेस्टिसाइड डाला ही नहीं कहीं पर, और नहीं मैंने शोएब को मारा, शोएब को जानता था मैं। भुवन तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई बहाना करके दोपहर में काम के वक्त दुकान से गायब हो जाता है मैडम। 11 अक्टूबर की दोपहर को भुवन दुकान पे था या नहीं था? पक्का नहीं रहा होगा मैडम, मैंने तो आपको पहले ही बताया कि वो कोई ना कोई बहाना करके हर दूसरे दिन दुकान से चला जाता था। ये भुवन बदला लेने के लिए शोएब को मार सकता है? मैडम कर तो ये कुछ भी सकता है, बड़ा ही सिरफिरा है। सुखविंदर जी से मेरा पंगा शोएब के नाना हारून बेग ने करवाया था, वो भी बेफजूली में। और सर पेस्टिसाइड वाली बात को 6 महीने हो चुके हैं, सब जानते हैं ये बात, तो ऐसे में उसका नाती मेरे साथ अकेले खंडर पे जाता गया, जबकि उसे पता है कि मेरा उसके नाने के साथ 36 का आंकड़ा है, झगड़ा हुआ है जी हमारा। अब या तो आप मेरे को बहुत ज्यादा शातिर समझ रहे हैं या शोएब को बहुत ज्यादा बेवकूफ समझ रहे हैं आप, लेकिन इतना जरूर है कि हारून बेग आप लोगों को बेवकूफ बना रहे। इस भुवन की बातें सही लग रही हैं सर, लॉजिक तो है इसकी बातों में। ये बात तो मुझे तभी लगी ग्रीवाल जब हारून बेग ने फट से भुवन का नाम आगे किया। आखिर ये हारून बेग हमसे छिपा क्या रहा है? बहुत बुरा हुआ हारून चाचा, अब तो अफसोस ही कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। जफर चलो बेटा।
गांव कब गया नजीब? परसों रात बोल रहा था कुछ अर्जेंट है गांव में। अब वो फोन भी नहीं उठा रहा है। क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं। नहीं कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, तुम जाओ। जी You have called is currently not reachable. सर भुवन का इस कांड में कोई हाथ नहीं है, ये बात तो पक्की है। ये तो हमें भी पता है। उस्मान तुझे घर के अंदर झांकने के लिए बोला था ना? मैडम वहीं से पता करके आ रहा हूँ। एक बात तो है जो सबको मन ही मन में पता है कि परवेज और नुसरत ने सोहेब को अपना बेटा माना था, जबकि उसकी माँ थी रेहाना जो अब गुजर गई। जी सर, नुसरत के मन में खेद भी है कि उसका शोहर परवेज रेहाना का छोटा भाई बचपन से ही सोहेब से इतना लगाव लगा बैठा है कि आज तक उसने अपना बच्चा तक नहीं किया। और उस झगड़े का क्या उस्मान, जो 10 तारीख को शोएब को लेकर घर में हुआ था? बाइक की बात तो उन लोगों ने बताई है, क्या शोएब की और भी कोई जिद थी? सर मैं तो बोलता हूँ आप परवेज और हारून से डायरेक्टली थोड़ी सख्ती से पूछिए। परवेज, हमने सुना है कि तुम्हारी बीवी नुसरत, उसका तुम्हारा शोएब को गोद लेना, उसे अपना बेटा बनाना या तुम जो कुछ कहो, वो कुछ खास पसंद नहीं आया। ये सब उस भुवन ने किया है, आप उसे छोड़कर। हारून जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये काम भुवन का नहीं, उसका आपके साथ झगड़ा था और ये बात आपके घर वाले भी जानते हैं और पूरा टीकमपुर गांव जानता है। अब आप ले देकर हमारे बच्चे के कातिल को हमारे ही घर में ढूंढ रहे हैं। परवेज मैंने तुमसे कुछ पूछा? हाँ, नुसरत को खेत था, पर वो देखिए ये 16 साल पहले की बात थी, जब हमारा निकाह हुआ था एक साल का था सोहेब, तब नुसरत गुस्सा थी, पर 16 साल बीत चुके इस बात को सर, उसके बाद नुसरत ने सोहेब को अपना बेटा ही माना, अब तक मान रही है। उस दिन झगड़ा सिर्फ बाइक को लेकर के नहीं था ना? तो और क्या था? नहीं आपको अगर पता है तो हमें भी बता दीजिए। शोएब के अब्बू कहाँ है? हमें नहीं पता, वो तो रेहाना जब 7 महीने पेट से थी उसे तलाक देकर चला गया, मुड़कर कभी नहीं देखा उसने। उसको तो ये भी नहीं मालूम कि उसका लड़का हुआ है लड़की, शोएब कौन है, रेहाना किस हाल में है, वो अब इस दुनिया में है या नहीं, उसे कुछ नहीं पता साहब। हारून जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जी शोएब ने उस दिन कुछ ज्यादा ही जिद पकड़ ली थी, बात सिर्फ बाइक को लेकर। परवेज अपने अब्बू को बोलने दो। बात तो बाइक को लेकर ही थी साहब, लेकिन शोएब ने कुछ ऐसी बात की जो बहुत चुप गई हमें। मैं कहीं और से पैसे ले आऊंगा, कहीं से भी जहां से मुझे मिल जाए, सिर्फ आप लोग ही नहीं है मेरे इस दुनिया में। ये बात हमें बहुत चुभी साहब, समझ में नहीं आया कि वो क्या कह रहा था। कहीं और से मतलब कहां से पैसे आएंगे शोएब? अब रहने दो ना, एक बार लड़ाई हो चुकी है दोपहर में। हाँ वो ठीक है, लेकिन ऐसे कैसे बोल रही है कि कहीं और से पैसे आ जाएंगे? बता कहाँ से आएंगे सोहेब? मामू कुछ पूछ रहे हैं बेटा। और नानू मैंने बस ऐसे ही कह दिया था। सोहेब बेटा तो कुछ गलत तो नहीं कर रहा है ना? देख बेटा सोहेब, तुझे जो चाहिए हम तुझे दिलवाएंगे, लेकिन बेटा तू एक बात समझ ले, हम इतने रईस नहीं हैं। तो एक बार 18 का हो जाएगा ना, तब अपने मामू और नानू के साथ काम पे जाना, हाँ फिर जो चाहिए ले लेना। तब तक मैं चैन से खाना खा लूं। नानू क्या हुआ? बेटा तेरी बातों से इतना तो लग रहा था कि तू पैसे कहीं और से ला सकता। मेरे अब्बू होते ना तो कुछ मांगने पर 4 बातें नहीं सुनाते और थप्पड़ नहीं मारते, पर क्या करूं अब्बू नहीं है ना। शोएब के अब्बू कहाँ है? हमें कोई खबर नहीं साहब, वो तो मेरे बहन को 17 साल पहले तलाक देकर लुधियाना से जा चुका था, इतने सालों में ना तो उसकी कोई खबर है ना उसे कभी मैंने देखा। आप लोग अभी भी पूरी बात नहीं बता रहे कि शोएब अपने अब्बू से मिला था? आप खुद ही सोचिए साहब, कैसे मिलता वो, जब हमें ही नहीं पता कि उसका अब्बू असलम कहाँ है, तो उसे कैसे पता चलता? कैसे मिलता शोएब अपने अब्बू से जिसे उसने आज तक कभी नहीं देखा? लुधियाना में खबरियों से पता करो, ये असलम खान शोएब का बाप था। इस असलम खान के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हो निकलवाओ। शोएब फैमिली में किसी ना किसी के तो गले की हड्डी बन गया था। सर क्या आपको लगता है कि शोएब के अब्बा यहाँ टीकमपुर में आए थे, क्योंकि उनका तो कहीं जिक्र ही नहीं है। तो पता करके देखो कि एक 17 साल के लड़के के अचानक से तेवर कैसे बदल गए। बोला कहीं से भी ला सकता है पैसा, देखो तो कि आखिर कहां से आया था इतना भरोसा। अरे नजीब सुन। हाँ मुश्ताक भाई। तेरा फोन बंद क्यों है?
मुश्ताक भाई वो गांव में कुछ काम था, उसमें बिजी था। असलम भाई से मिल ले, मिलना चाहते तुझे। तुम कहां थे नजीब? और शोएब कैसा है? ये आप मुझसे पूछ रहे हैं मालिक? ऐसे क्यों बोल रहे हो नजीब? क्या बात है? क्या किया आपने मालिक उस बच्चे के साथ? क्या किया आपने? मैंने क्या किया? ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम नजीब? अरे मैं तो गया था 10 तारीख को लुधियाना उसे मिलने। मेरी बात हुई थी शोएब से, वो अगले दिन 11 तारीख को मिलने भी आने वाला था। शोएब बेटा मैं लुधियाना पहुंच गया हूँ, अभी अभी होटल में चेक इन किया है। हाँ तू आ जा बेटा, फिर इकट्ठे चलते हैं बाइक शोरूम। हाँ तुझे जो बाइक अच्छी लगे ना तुझे दिलवा दूंगा। और कब आ रहा है तू? अबू आ जाना थोड़ा मुश्किल है, मैं कल स्कूल जैसे ही खत्म होगा वैसे ही यहाँ तिकमपुर से बस पकड़कर आपके पास लुधियाना आ जाऊंगा। लेकिन पक्का आएगा ना तू बेटा? हाँ अबू पक्का आ जाऊंगा। बेटा तू दुखी क्यों लग रहा है, कुछ हुआ है क्या? नहीं अबू, मैं कल मिलता हूँ आपको। अच्छा ठीक है, तब तक ना मैं तेरे लिए अच्छी सी बाइक देख कर रखता हूँ। अबू। हाँ बेटा। क्या आप मुझे अपने साथ ले चलेंगे? मुझे लगा शायद उसके नाना और मामा की वजह से उसका मेरे पास आना मुश्किल होगा, क्योंकि मैंने उन लोगों को कुछ बताया नहीं था, ना ही ये बताया था कि शोएब के साथ मैं कांटेक्ट में हूँ। नजीब मैं उस दिन शाम को 4 शोरूम गया था बाइक देखने शोएब के लिए। और अगले दिन शोएब नहीं आया? नहीं, वो एक बात है नजीब, लेकिन उसका फोन क्यों बंद आने लगा, अभी तक बंद है। शोएब का फोन तो बंद आएगा ही ना मालिक, और अगर शोएब का फोन चालू भी होता तो वो कैसे बात करता आपसे? क्या मतलब? अब इतने जान मत बनिए मालिक, 11 तारीख को शोएब मारा जा चुका है, मर चुका है वो। ये आपने क्या किया मालिक, ये क्या किया आपने मालिक? कहीं आपने गलती से हारून चाचा और परवेज से शोएब को अपने साथ ले जाने की बात तो नहीं की? मैं क्यों करूंगा उन लोगों से बात, नफरत करते हैं वो लोग मुझसे। मालिक आप 1.5 साल से शोएब से बात कर रहे हैं, और अब जब आप उससे मिलने गए तो किसी ने आके सुमार दिया। आपने अपने साथ साथ मुझे भी गुनाहगार बना दिया है, हारून चाचा की आंखों में आंखें डालकर बात भी नहीं कर पा रहा था। क्या हुआ शोएब अब भी फोन नहीं उठा रहा है क्या? अफसाना शोएब को किसी ने मार दिया। शोएब से मेरी बात हुई थी, वो लुधियाना मिलने आने वाला था मुझे 11 तारीख को, मैं उसे बाइक दिलाने वाला था, लेकिन लेकिन उसी दिन किसी ने मैम मनप्रीत नाम का एक लड़का है, ये मिला था शोएब से 11 तारीख की दोपहर को। कहाँ मिला था? गांव के तालाब के पास। इन लोगों की पुरानी दुश्मनी भी थी, झगड़ा भी हुआ था, लड़की का मामला था। उसी के स्कूल की है? जी, मगर मैम थोड़ा संभल के, ये जो मनप्रीत है गांव के सरपंच गुरमीत जी का लड़का है। ओए मनप्रीत ओ बाइक को साइड में लगा और स्कूल जा, टाइम हो रहा है। पापा जी देखो ना कितने अच्छे से बाइक चला रहा हूँ, प्लीज लेके जाने दो ना। 18 का हुआ नहीं यार, बाइक चाहिए और चुपचाप साइकिल उठा और जा। कहिए मैडम कैसे आना हूँ? गुरप्रीत जी हमें आपके बेटे मनप्रीत से बात करनी है, 18 साल का नहीं हुआ इसलिए आप साथ में रह सकते हैं। क्या बात हो गई मैडम, कौन सी बात करनी है? मनप्रीत क्या क्या तूने? पापा जी मैंने क्या किया? मनप्रीत हमें शोएब के बारे में बात करनी है तुमसे। मैं कह रही हूँ आपको मत जाइए टिकमपुर, वो फंसा देंगे आपको। सना मेरा बेटा मरा है, रेहाना के परिवार वालों से मिलने मुझे जाना ही चाहिए, सब कुछ जानकर भी मैं चुप नहीं बैठ सकता। इतने सालों तक पाला है उसने हमारे बेटे को, कम से कम ऐसे वक्त में उनसे मिलने जाना ही चाहिए मुझे। जब आपने पहली बार उस नजीब की बात निकाली थी कि वो रेहाना की पूरी फैमिली को जानता है, मैंने तभी आपको आगाह किया था कि ज्यादा जज्बाती मत होइए, कि कहीं पुरानी यादें कोई नया जख्म ना दे जाए। अब हो गया जख्म। सना तुम जिसे जख्म कह रहे हो मेरा बेटा था, और जख्म मैंने दिए है उसे, मुझे टिकमपुर जाना ही चाहिए।
एक तरफ पुलिस को मनप्रीत सिंह का एंगल मिला था जो 11 तारीख को शोएब की हत्या होने से पहले आखिरी बार शोएब से मिला था, दूसरी तरफ शोएब के अब्बू असलम अपनी पहली बीवी रेहाना के परिवार से मिलने टीकमपुर आ रहे थे। अब इस मामले में जल्द ही एक बेहद चौंकाने वाली बात सामने आने वाली थी। मुंह तक नहीं देखा तुमने बच्चे का, और अब जब नहीं रहा तो दिखावे का दुख बांटने आए हो यहां पर। इससे पूछो अब्बू, ये कैसे अचानक सामने आ गया और इसे कैसे पता चला कि शोएब इसका बेटा है, और अब शोएब नहीं रहा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आप लोगों से पहले मिलने नहीं आ पाया, लेकिन मैं पिछले 1.5 सालों से शोएब से बात कर रहा था। मैं कहीं और से पैसे ले आऊंगा, कहीं से भी, जहां से मुझे मिल जाए। सिर्फ आप लोग ही नहीं है मेरे इस दुनिया में। पिछले 1.5 सालों से मैं उसके लिए बाप का वो फर्ज अदा कर रहा था जो 17 सालों से नहीं कर पाया। शोएब से कैसे बात होती थी? तुम यहां मिलने आते थे उससे? फोन पे बात करता था। कहानियां मत बनाओ, शोएब के पास कोई फोन नहीं था। उसके पास था फोन, यहां रहने वाला वो नजीब, उसने मुझे नंबर दिया था उसका। शोएब से बात करवाई थी मेरी उसने। हमने उसे कभी फोन नहीं दिलवाया, और वो सिर्फ 17 साल का था। खुद के नाम पे कैसे सिम कार्ड ले सकता वो? सर, नजीब का फोन तो बंद आ रहा है, मैं मेरे वर्कर मुश्ताक से बात करता हूँ। असलम भाई, वो नजीब तो कल लंच के बाद ही निकल गया था और आज काम पे नहीं आया। मैं सुबह से उसको फोन लगा रहा हूँ लेकिन उसका फोन बंद आ रहा है। सर, नजीब का फोन बंद आ रहा है, लेकिन सर नजीब ने मुझे शोएब का नंबर दिया था जो 11 तारीख के बाद बंद आ रहा है, वो नंबर है मेरे पास। अरे पर ऐसे कैसे हो सकता है, शोएब के पास कोई फोन नहीं था। नहीं सर, मैं शोएब से बात कर रहा था फोन पे, मेरे पास उसके फोटोज भी हैं, उसके दोस्तों के फोटोज भी भेजे मुझे उसने। सर, उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसकी गर्लफ्रेंड के साथ वाले फोटोज भी भेजे मुझे उसने। इस असलम का कोई भरोसा नहीं है साहब, बहुत बड़ा आदमी है, जब मेरी बहन पेट से थी तब भी उसे मारता था, इसी ने कुछ किया है साहब। लेकिन परवेज, असलम तो कह रहा था कि वो पिछले 1.5 साल से शोएब से बातें कर रहा था। झूठ बोल रहा है साहब, वो शोएब अपने अब्बू से कभी बात नहीं करेगा, खासकर बिना हमें बताए तो कभी नहीं, और ये कह रहा है कि शोएब को पैसे भेजता था। असलम झूठा है साहब। क्या असलम की अपने बेटे शोएब की हत्या में कोई भूमिका थी, या फिर शोएब की हत्या अमनदीप के लिए मनप्रीत के साथ चल रही रंजिश का नतीजा था? शोएब की हत्या नियति नहीं, बल्कि इसे काफी पहले से प्लान किया जा रहा था। यह हत्या महज लालच का नतीजा था। लेकिन नजीबुल्ला रिजवी का शोएब के अब्बू असलम खान से मिलना क्या वाकई नियति का खेल था? 17 साल के शोएब की हत्या किसने और किस मकसद से की थी? उसके अब्बू असलम खान निश्चित तौर पर इस मामले से जुड़े हुए थे, लेकिन इसकी कड़ी क्या थी? क्या यह हत्या सिर्फ इसलिए हुई थी क्योंकि एक बेटे ने अपने पिता को ढूंढा था, या फिर इसलिए क्योंकि 17 साल के बाद एक पिता ने अपने बेटे को ढूंढा था? यह अपराध रोंगटे खड़े कर देने वाला था, लेकिन इसका मकसद और इसकी योजना अविश्वसनीय और चौंका देने वाली थी। इस केस का खुलासा हम करेंगे इसके दूसरे और आखिरी भाग में। जय हिंद।